मॉर्निंग गाइस, आई होप आप सभी बिल्कुल फाइन होंगे। और वर्ल्ड की बेस्ट सेलर्स बुक में से एक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जिसको लिखा है जोसेफ मर्फी ने। और गाइस, इसी बुक के एक पेज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि जिस दिन से हम अपने आसपास की चीज़ों को हमारे जीवन में होने के लिए धन्यवाद देना स्टार्ट कर देते हैं, उसी दिन से हमारा जीवन बदलने लगता है, उसी दिन से हम सफलता की ओर अग्रसर होने लगते हैं। और सच में कहा जाए तो हमें भगवान को भी धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हमें कंप्लीट मैन बनाया है, हमें खाने के लिए दिया है, हमें पहनने के लिए दिया है। और इसके अलावा हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग हमारे पास आसपास होते हैं जो कि हमारे लिए हमेशा अच्छा करते हैं और हम उन्हें हमेशा धन्यवाद देते हैं। इसलिए जब सफलता का रास्ता ही एक धन्यवाद से होकर, एक थैंक यू से होकर जाता है, तो इसे सिर्फ एक ही तरीके से क्यों बोलें, इसे अलग अलग तरीकों से क्यों ना बोलें। एंड गाइस, आज आप लोगों के साथ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर कर रहा हूं कि जिस मंथ का फर्स्ट डे संडे होगा, उस मंथ की 13 तारीख को फ्राइडे होगा। जी हाँ, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि मुझे जानने को मिला। इसके अलावा गाइस, इंग्लिश लैंग्वेज में ओनली 2 वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में जी आर वाई आता है, और वो है एंग्री एंड हंग्री। जी हाँ, सो माय डियर स्टूडेंट्स, विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, हाउ टू से थैंक यू। एंड बी विथ मी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड कमेंट इफ यू लाइक दिस। यस, एंड गाइज, इट्स टाइम फॉर टॉप कमेंट ऑफ दिस वीक दैट इज डन बाय सोनाली। एंड सोनाली, थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल कमेंट, बिकॉज इट रियली टच्ड माई हार्ट। एंड प्लीज कीप वॉचिंग आवर चैनल सो दैट इट कुड ग्रो ऑन टाइम। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट सिंस इट्स स्टार्टिंग। थैंक यू सो मच सोनाली। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो जो कि बेस्ड है हाउ टू से थैंक यू। यू आर ग्रेट, आप सच में महान हैं। और जब कोई हमारे लिए बहुत बड़ा काम कर दे तो उसे हमें बोलना चाहिए यू आर ग्रेट। कोई बहुत दयालुता दिखा दे, हमें बोल देना चाहिए यू आर ग्रेट। यू आर अ डियर। और कई बार ऐसा होता है कि छोटे छोटे बच्चे हमारी हेल्प कर देते हैं, तो उनको हम जब ये बोल देंगे यू आर डियर तो वो बहुत हैप्पी होते हैं। सो आप बोल सकते हैं उन्हें यू आर डियर। आई ओ यू वन, तुम्हारा मुझ पर एक कर्ज है। अब जैसे कि कॉलेज टाइम पर मैं अपने फ्रेंड विशु को अपना टिफिन खिलाता था, तो वो अभी भी मेरे को बोलता है आई ओ यू वन। आई अप्रिशिएट इट। जी हाँ, जब कोई हमारे लिए कोई काम करता है और या सोसाइटी के लिए कोई काम करता है, तो हमें ये जरूर बोलना चाहिए कि मैं इसकी तारीफ करता हूँ, तो वो मोटिवेट हो जाता है और अगली बार और बेहतर करने के लिए ट्राई करता है। यू आर एन एंजल। एंड गाइज, एंजल हमारी लाइफ में क्या करती हैं जो कि बहुत अलग होता है, उसी तरह से अगर कोई हमारी लाइफ में ऐसा कुछ कर दे जो कि बहुत अलग हो, तो हमें उसे कह देना चाहिए यू आर एन एंजल। यू आर सो काइंड। यस गाइज, मान लीजिए हम पैदल जा रहे हैं, कोई अपने आप आके गाड़ी रोक के बोलिया चली बैठ जाइए, तो हम उसको बोल सकते हैं यू आर सो काइंड। कोई हमारे लिए बस अपनी सीट दे दे, हम बोल सकते हैं उसको यू आर सो काइंड। थैंक्स अ बंच, यानी कि गुच्छे में धन्यवाद। जी हाँ, तो मतलब कोई ऐसा कोई काम कर दे हमारे लिए, सो गाइस, कोई ऐसा काम कर दे जिसमें एक थैंक यू से काम ना चले, तो हमें बोल देना चाहिए थैंक्स अ बंच। आई एम इन योर डेट, मैं आपका कर्जदार हूं। जी हाँ, यू आर अ लाइफ सेवर। जी हाँ, आपने मेरी जिंदगी बचा ली। और कोई डूब रहा है, कोई आग में फंस गया है, ऐसे टाइम पर कोई दुर्घटना से किसी ने बचा लिया है, तो आप बोल सकते हैं यू आर अ लाइफ सेवर। यू आर द बेस्ट, किसी ने आपके लिए काम किया, बहुत सारे लोगों ने आपके लिए काम किया और किसी का काम आपको सबसे अच्छा लगा, आप उसको बोल सकते हैं यू आर द बेस्ट। यू सेव्ड माई डे। जी हाँ, कोई ऐसा काम आप कर रहे हैं जिसमें आप उलझे हुए हैं, कोई आया और आपको उसने बता दिया कि आप ऐसे ऐसा कर लीजिए, वो काम तुरंत हो गया, आप उसको तुरंत बोल दीजिए यू सेव्ड माई डे, आपने मेरा दिन बचा लिया। वी वर टच्ड, आपने हमारा दिल छू लिया। कोई ऐसा काम करते जो आपके दिल को छू जाए, उसके लिए हम बोल सकते हैं वी वर टच्ड। आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू। कई बार कोई अजनबी
हमारी मदद कर जाता है तो हम उसको कैसे थैंक यू बोलेंगे। दैट्स वाई हम कह सकते हैं आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू, आई एम ग्रेटफुल फॉर योर असिस्टेंस, आपके सहयोग के लिए मैं आपका आभारी हूँ। जी हाँ, और किसी ने हमारी मदद कर दी किसी काम में, उसके लिए हम ये लाइन यूज कर सकते हैं आई एम ग्रेटफुल फॉर योर असिस्टेंस। आई डोंट हैव वर्ड्स टू थैंक यू, मेरे पास आपको धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है। आई डोंट नो वॉट आई वुड डू विदाउट यू, मुझे नहीं पता मैं आपके बिना क्या कर पाता। जी हाँ, कोई किसी ने अगर हमारे काम में हेल्प की है और वो काम हो गया है तो हमें ज़रूर बोल देना चाहिए। एंड गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू सो मच।